कि ये हुकूमत कह रही है इंटरनेट बंद करने में ना स्लो करने में हमारा कोई हाथ नहीं है। इन्हीं का ही हाथ है सारों का, बाकी आम बंदा थोड़ी कोई कर सकता है। सारे लोग वीपीएन ज्यादा यूज करते रहे, अब भी यूज हो रहा है, इसका नेट का कोई इसको साथ इशू नहीं है। वो कहते हैं फिर दोबारा अखबार पढ़ना, दुनिया अखबार पढ़ना शुरू कर दो। देखें हमारे मुल्क में हर चीज़ स्लो है, वक्त के हिसाब से चीज़ें वही हैं लेकिन इंसान जो है ना वो सुकड़ते जा रहे हैं। वो 40 अरब किसको दिया है? चाइनीज को दिया ना फायर वॉल के लिए। हाँ जी, तो भाई प्रॉब्लम तो खुद ही क्रिएट की है, पैसे दे के 40 फैक्ट्री लगाते हमें रोजगार मिल सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुथरा। नाज़रीन जहाँ पर कारोबार बड़ा नुकसान हो रहा है, यानी फैक्ट्रीज भी बंद हो रही हैं और कारोबार को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, आईटी सारा ख़राब हो गया है, सारा मामला जो जितना बिजनेस होता था, जो लोग यहाँ पर बैठ के डॉलर्स को कमाते थे और यहीं का पाकिस्तान में डॉलर कमाकर पाकिस्तान के बैंकों में जमा होता था, वहाँ पर बहुत सारा नुकसान हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? वो इंटरनेट की वजह से हो रहा है, इंटरनेट की वजह से ये सारा नुकसान हो रहा है। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि ना हमने इंटरनेट बंद किया है ना ही हमने इसको स्लो डाउन किया है। अब अगर ये सारा कुछ नहीं किया तो कहते हैं जी वीपीएन के इस्तेमाल से जो है ना ये सारा कुछ हुआ है ज़्यादा। अब वीपीएन का इस्तेमाल तो इससे पहले भी होता रहा, ये 4-5 महीने के अंदर या 6-7 माह के अंदर कितना वीपीएन लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले भी तो यूज़ करते थे। अब जाके नेट स्लो क्यों हुआ है? क्या वजह हुई कि नेट स्लो हो गया, नेट बंद है, नेट आ नहीं रहा, कारोबार लोगों के ख़राब हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। मेरे साथ रहिए कि आखिर वजह क्या है, हुकूमत ने बंद किया है, स्लो डाउन इन्होंने किया या नहीं किया, मुझे आवाम बताएगी। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। इंटरनेट यूज करते हैं आप? जी जी बिल्कुल करते हैं। जाहिर है इंटरनेट पे कारोबार भी बहुत सारे होते हैं। जाहिर है आपका बिजनेस भी इंटरनेट पे हो जाता है। तो इंटरनेट की हुकूमत तो मान ही नहीं रही कि हमने बंद किया है, हमने स्लो डाउन किया है। नहीं, हुकूमत ये मरियम नवाज ने खुद किया है। अच्छा, ये कारोबार पे असर भी उसकी वजह से ही पड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है, कारोबार सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हर ये आप बड़े बड़े दुकानदार अंदर बैठे हैं, आप जाके देख लें। हाँ जी, नहीं फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज भी बंद हो रही है। 4.5 लाख किराया उनका किराया नहीं निकल रहा, उनके जो जिसने 6 बंदे रखे थे उसने अब 1 रखा हुआ है, 2 रखे हुए। बिल्कुल सही है, कारोबार बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गए। जिन्होंने 1.25 करोड़ रुपये एडवांस दिया है उनके घर का खर्चा भी नहीं चल रहा, और हम तो ये ठेले वाले ना बाहर बैठे हैं। हमारा खुद का जो काम है ना, अभी ये 5-6 महीने के अंदर हमने 3-4 लाख रुपए नहीं मान रहे कि जी हमने नहीं किया स्लो डाउन, इन्होंने किया है। 4-5 लाख हमने नुकसान कर दिया इधर, इन्होंने किया है। और किसने किया है ये इन्होंने, यार इन्हों का काम है और किसका काम है ये बताओ मेरे दोस्त। मान क्यों नहीं रहे फिर ये जो अगर ये नहीं किया? कहते वीपीएन के इस्तेमाल से ये नेट स्लो हुआ है। वीपीएन पहले यूज नहीं होता था? हाँ पहले भी होता था, क्यों नहीं यूज होता रहा है? क्यों नहीं होता रहा है? सारे लोग वीपीएन ज्यादा यूज करते रहे, अब भी यूज हो रहा है, इसका नेट का कोई इसको साथ इशू नहीं है कि वीपीएन के साथ मतलब पुराना पाकिस्तान ले आना चाहते ने। अच्छा पुराना, देखो वो कहते फिर दोबारा अखबार पढ़ना, दुनिया अखबार पढ़ना शुरू कर दे। यार बहुत अच्छी बात की है। नहीं तो ये मान ही नहीं रहे कि हमने नेट को स्लो किया है, हमने स्लो डाउन किया है या नेट हमने बंद किया है। ये तो शुरू से झूठे हैं, आपको पता तो है, आपको नहीं पता झूठे नहीं है ये। इन्हें चाहिए कि नेट ऑन करें, नेट वगैरह पे बहुत कारोबार हो रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, फैसलाबाद में भी फैक्ट्रियां बंद हैं, मुल्तान में फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। मेरा कज़न खुद इधर मुल्तान से। और ये नई खबर आ गई है, पहले तो फैसलाबाद की मुझे पता लगी थी कि फैक्ट्री बंद हो रही हैं, अब ये मुल्तान की भी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं नेट की वजह से। क्या बनेगा, हुकूमत कहाँ चली गई है? क्या कहते हैं जी, मेरी न्यूज़ तो आपने सुनी ली है कि ये हुकूमत कह रही जी इंटरनेट बंद करने में ना स्लो करने में हमारा कोई हाथ नहीं है, ना हमने इसको स्लो डाउन किया है ना ही हमने इसको बंद किया है, क्या कहते हैं आप? इन्हीं का ही हाथ है सारों का, बाकी आम बंदा थोड़ी कोई कर सकता है, यही सारे कुछ कर सकते हैं करने वाले हैं, यही इन्होंने ही सारा इंटरनेट को। तो क्यों कह रहे हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया? कहते वीपीएन के इस्तेमाल से ज्यादा हुआ है। आप इधर आ जाए थोड़ा सा करीब रहें, वीपीएन के इस्तेमाल से ज्यादा हुआ है। वीपीएन पहले भी इस्तेमाल होता था, पहले भी इस्तेमाल, तो पहले तो नेट नहीं स्लो होता था ना। ये सर हमारा बस शबाज शरीफ का काम है यार, मरियम नवाज शबाज शरीफ है, बस सारे उनका काम है, हुकूमत चलाने नहीं आते भाई। नहीं क्या वजह हो सकती है कि इन्होंने ये नेट स्लो किया? अगर चलो भाई दबे इन्होंने किया है तो क्यों किया है? ये यही जानते हैं, हमें क्या पता। ये गरीब लोगों को इसी अखबार पे लाना चाहते हैं जो अखबार पहले पढ़ते थे,
ये कहते हैं इंटरनेट को बंद करें अखबार ही फिर तो बहुत कुछ बंद होएगा। बिल्कुल अभी कारोबार देखो किंगल पे लबूत अच्छा कारोबार था अभी कारोबार ऐसे ऐसे बंद हो रहे हैं कोई मजा नहीं है काम का। सर क्या कहते हैं कि ये जो नेट जो हो रहा है नेट का मामला आ रहा है इतना नुकसान हो रहा है नेट की वजह से कारोबार तबाह हो रहे हैं सारा कुछ हो रहा है लेकिन हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है कि नेट हमने बंद किया है या नेट को हमने स्लो डाउन किया है। कहते हैं जी वीपीएन का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसकी वजह से नेट स्लो है हमने नहीं किया क्या लगता है आपको? देखें हमारे मुल्क में हर चीज़ ही स्लो है ये देखें काम भी स्लो है आप देखें ये सारे से आपको देख कर इकट्ठे हुए सब खाली बाजार टोटली फिनिश पड़ा हुआ है यार क्या बात यहाँ का टोटली नेटवर्क आउट ऑफ कंट्रोल हो गया भाईजान। बिल्कुल सही बात एक कोई भी फील्ड में आप घुस जाएं सारी बर्बाद हो गई दी एंड हो गया बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोग बेचारे परेशान हैं दुकानों में कारोबार नहीं है लोग बाजारों में आप हम ही हैं और कोई भी नहीं है यकीन जाने ये आपकी वजह से रौनक हुई है पूरे बाजार खाली हैं सुबह हो शाम हो ऐसे ही होते हैं ये पूछ रहे सारे दुकानदार हैं सारे कुछ सेल्समैन हैं कोई चक्कर ही नहीं क्यों जी क्या कहते हैं बिल्कुल जी अब ये मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं पहले भी यही दुनिया थी यही मुल्क थे यही इंसान थे यही कारोबार थे खुशहाली थी लेकिन अब वक्त के हिसाब से चीज़ें वही हैं लेकिन इंसान जो है ना वो सुकड़ते जा रहे हैं। हाय हाय रोज़ाना हाय 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 क्या खूबसूरत बात की है कि वही चीज़ें हैं लेकिन इंसान सुकड़ते जा रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं कि इंटरनेट कहते हैं जी हमारी फॉल्ट नहीं है हमने बंद नहीं किया हमने स्लो डाउन नहीं किया। वीपीएन तो पहले भी यूज़ होता था बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे पहले तो कभी ऐसी नेट में प्रॉब्लम नहीं आती थी। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना ये इंटरनेशनल लेवल की हैं हम जो लोग ना मिडिल क्लास के हैं ये प्रॉब्लम ज़रूर है लेकिन ये मुझे पीछे बताया कि इंटरनेट लोग इसकी वजह से मिलें बंद हो रही हैं इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं इसकी वजह से क्योंकि इंटरनेट पे काम है सारा काम बिल्कुल जी हाई लेवल पे चला गया इंटरनेट पे चला गया है लेकिन जो हमने देखना है मिडिल क्लास के तबके को जो मिडिल क्लास का तबका है रोजाना की बेस पे काम कर रहा है हैंड टू माउथ है उसको इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं। सही गल उसको चाहिए कि रोजाना मुझे दिहाड़ी इतना की ताल्लुक है कोई दिहाड़ी मिल जाए नहीं मिल जाए और रात को अपने खाना ले जाए अपने बच्चों की फीसें कोई किताबें निकल जाए बिल्कुल ये शॉर्टकट रास्ता है लेकिन जो हाक लाल वाला वो शॉर्टकट इस्तेमाल करेगा हाक लाल वाला शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल। व्हाट यू टेल नाउ के व्हाई नेट इज क्लोज इज द नॉट एग्री टू गवर्नमेंट के दिस इज माय फॉल्ट 40 बिलियन फॉल्ट व्हाट आई से 40 बिलियन इज द फॉल्ट या मे बी व्हाई आवर पॉलिटिक्स आर करप्ट टोटल व्हाट आई से या Our country, yes. Our politics, yes. Corrupt. Our rule law, what is? What is our rule law? Our rule law is our Holy Quran. Aye, aye. Then you take it 227, our article. You done it. You make it. Our Quran, Shariat. Yeah, yeah. No judiciary process. Manipulate, yes. Manipulate. Yes. Not a corruption over country. Yeah, yeah. You do that. All Pakistani do that. Aye. Musliman हम नाम के हैं. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. देखे कलमा पढ़ के कोई गैर मज़हब ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं. ये छोटी सी समझ ले आप प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में अगर इसको हम सही कर लेना सही मायने में मुसलमान बन जाए तो क्यों नहीं ये मान रहे कि नेट हमने बंद किया है नेट को स्लो हमने किया है ये कह रहे हैं जी वीपीएन के इस्तेमाल से नेट स्लो हुआ है क्या वीपीएन पहले इस्तेमाल नहीं होता था? वो 40 अरब किसको दिया चाइनीज को दिया ना फायर वॉल के लिए हाँ जी तो भाई प्रॉब्लम तो खुद ही क्रिएट की है पैसे दे के हमारा मुल्क है ना अकल इस्तेमाल करेंगे तो कामयाब होंगे अगर अकल नहीं होगी तो बेवकूफ़ों के हाथ चढ़े होंगे ना हुक्मरान तो फिर ऐसे ही हमारा हाल होगा। बिल्कुल सही है इंसान अपने लिए प्रॉब्लम जो है ना खुद ही क्रिएट करता है अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं होता इंसान अगर सही चले ना तो अल्लाह हर चीज़ ठीक कर देता है वो तो 70 माओ जितना प्यार तो फिर आप असम्बली में बैठ के जो असम्बली वाले जो लोग हैं ये क्यों नहीं करते कुरान को क्यों नहीं नाफज करते हमारे हुक्मरान जो क्यों नहीं नाफज करते आर्टिकल 227 जो है 227 जो है वो आप शिकल लगा देना उसमें उसको लिख देना कि हमारा जो ओवर होली कुरान जो है वो हमारा वही हमारा जो है ना हिसाब किताब का सारा मामला है। बिल्कुल सही है उसी के हिसाब से हम चलेंगे बिल्कुल चोर के हाथ काटे जाएं जानी को संसार किया जाए बात समझे कि नहीं और कातिल को कत्ल किया जाए आए हाय यही रूल ऑफ लॉ है ना क्यों नहीं करते हर चीज खत्म हो जाएगी हमारे मुल्क में से बिल्कुल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। पूरे मुसलमान भाइयों को पूरे पाकिस्तानियों को ये मैंने एडवाइस दी है कि भाई
उठो आवाज़ उठानी है, ये ना करो महंगाई हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। अब ये बात करो भी हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, हमें कुरान चाहिए, शरीयत चाहिए, वो नाफिज कर दें हर बंदा ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि शरीयत को नाफिज कर देना चाहिए। हमारे आयन में लिखा हुआ है ना 227 जो हमारा कुरान हमारा वही क्यों नहीं हुआ नाफिज अभी तक, क्योंकि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थे उन्होंने, ये भी अपनी रखवाली कर लो आप लोग। कोई पैगाम है गवर्नमेंट को? यही पैगाम है गवर्नमेंट को कि भाई हम लोग जानते हैं हमारा हिस्ट्री क्या है, जब से पाकिस्तान बना है और अब तक हमारी हिस्ट्री क्या चल रही है, हमने सब उतार चढ़ाव शेप फराज देख लिए हुए अपने मुल्क में देख लिए हुए हैं। अगर कोई करप्शन करके जाता है ना, कोई ऐसा मजबूत आदमी है यानी कि लॉ नहीं है ना, उसको पकड़ नहीं सकते, उसको नंगा तो सर हर बंदे ने कर दिया, नंगे तो सारे हो गए हुए हैं, कपड़े किसी के जिस्म पे नहीं है, ये अब नंगे बहाड़े हैं बचा रहे हैं अपने आप को, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पर वो गलत है, खुद नंगे हो गए हैं, बस ओपन हो गए हैं, आप एक्सपोज हो गए हैं, अब छुपने के लिए कुछ नहीं है। आप एक्सपोज हो चुके हैं, नेट सही आए या ना आए आप एक्सपोज हो चुके हैं, अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है, हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचा दी जाए। नेट किसने स्लो किया, किसने बंद किया, क्यों किया? 40 अरब वालों ने भाई, 40 फैक्ट्री लगाते हमें रोजगार मिल जाता। बहरहाल जी अवाम की आवाज़ आपने, हम आज़ाद नहीं है, 14 अगस्त वैसे ही मना लेते दुनिया, क्योंकि अक्ल नहीं उनको, पाकिस्तानी है ना जाहिल है, हम लोग जाहिल हैं, 14 अगस्त ऐसे मनाने लग पड़ते हैं, हम तो आज़ाद हुए ही नहीं है, वो तो दुनिया की नज़र में कागजी कार्रवाई है, बहुत बड़ी बात, वरना कश्मीर हमारा होता, ये तो आज़ाद कश्मीर भी है ना, ये समझ ले कबायलियों ने हमें छीन के दिया हुआ है, हमें किसी ने छीन के नहीं दिया, और पेंसिल की लड़ाई जो है ना आवाम ने लड़ी हुई है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने लड़ी हुई है, अपनी जाने शहादत जामे ने शहादत नोच किया उन्होंने बम बांध के टैंकों के नीचे, वो आके किसी ने लड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो अपनी है ही नहीं थी कोई चीज़ दिफा के लिए, वो तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिए हैं, हिस्ट्री उठा के देख लें आप। बिल्कुल सही है जी, अवाम की आवाज़ आपने सुन ली, हमारा काम अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचाना होता है, वो आपने सुन ली है, हमारा काम बस इतना ही होता है, और लेकिन अवाम की आवाज़ आपने सुननी है, उस पर अमल भी करना है, क्या नहीं होना क्या नहीं होना, हमें इससे कोई लेना देना, हमारी आवाज़ यही है, एक आवाज़ बुलंद हुई है, पता नहीं कितने करोड़ इसमें शामिल हो जाएँ कि हमारा जो लॉ है ना वो कुरान बन जाएगा ना जब हमारे आइन के अंदर, उसमें कोई भी ये असम्बली वाला बैठ के ना उसमें तब्दीली नहीं कर सकता, मैं भी अल्लाह का कानून है और वही मोहम्मदी कानून है, वो नाफज होना चाहिए ताकि हम ना सही ज़िंदगी गुजार सकें और तरक्की भी कर सकें, वही हमारी तरक्की का रास्ता है, वही हमारी खुददारी का रास्ता है और वही हमारी आखिरत का रास्ता है, वही हमारी खुददारी का रास्ता है, वही हमारी तरक्की का रास्ता है, बिल्कुल ठीक है, मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ, हमारी आखिरत भी उसी से बननी पड़ेगा, मुसलमान है, कलमा हम सब कलमा गो हैं, हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा। बहरहाल हमारा काम होता है अवाम की आवाज़ तक पहुँचानी, आपके चेहरे के आंसू चुराना, आपके आपके चेहरे के आंसू चुराना, आपके चेहरे पर हंसी देना, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारे, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा, इज्जत इज्जत लें, मोहब्बत बांटे और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक इंशाल्लाह बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा, मत के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुत्रा आपके साथ है, क्योंकि सुत्रा आपके साथ रहेगा साथ रहेगा।